मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और देखिए आज एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि सुबह सुबह जब हम खुले थे तो काफ़ी ऑप्टिमिज्म के साथ खुले थे। ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी हद तक सपोर्टिव थे। इसके अलावा इंडिया से भी जो खबरें थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनीज है उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो चालू कर दिया। ठीक है, अच्छी खबर थी। लेकिन जैसे कि मैं आपसे इतने दिन से कह रहा था कि देखिए प्रोडक्शन चालू हुआ है लेकिन डिमांड कितनी है ये किसी को पता नहीं। हालांकि ये तो धीरे धीरे करके पता चलेगा, लेकिन हाँ ये एक होप ट्रेड था और इस होप के पीछे आज मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिली। शुरुआत तो देखिए हम 9400 के ऊपर भी जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर से एक बार डे लोस पे आके हमने क्लोजिंग दी है, ये एक दिक्कत की बात है। और देखिए रेंज फिर से वही है, 9250 के आसपास जो है हम फिर से एक बार आके अटकते हुए नजर आए हैं। तो ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल जो है वो बन के निकला है। 9250 जो है उसके ऊपर हम कोई डिसाइसिव, यानी कि 9300 के ऊपर क्लोजिंग देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, 9200 के नीचे भी क्लोजिंग देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल पे हम खड़े हैं। अब कोई या तो बड़ी अच्छी खबर आ जाए या तो लॉकडाउन हट जाए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो भगवान जाने। आज मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं, स्टेट वाइज किस तरह से इसका हैंडल किया जाता है, ये सब काफ़ी सारे सवाल है, जिसके बाद शायद आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो इनिशियल फीलर्स है, जैसे कि टाइटन ने कह दिया कि हमने 40 स्टोर जो है वो खोल दिए हैं, हीरो मोटोकॉर्प ने किया कि कहा कि 1500 जो डीलरशिप है वो उन्होंने शुरू कर दिए, प्रोडक्शन शुरू कर दिया, 10,000 गाड़ी के ऑर्डर्स भी उनके पास आ गए हैं। रेलवे को देखिए, रेलवे ने किस तरह से अब बोला है कि 15 ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से 15 जगह पर ट्रेन जाएंगी और वहाँ से वापस आएंगी, यानी कि 30 ट्रेन जो है वो आप शुरू करने वाले हैं। कुछ खबरें ऐसे भी आ रही है कि हो सकता है एयरलाइंस को भी थोड़ी राहत दी जाए। तो ऐसी काफ़ी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है जो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि शायद आपको थोड़े रूल्स जो है लॉकडाउन के वो ईजिंग ऑफ होते हुए नजर आएंगे। वैसे कुछ ईज ऑफ हो चुके हैं, थोड़े और ईज ऑफ होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसके चलते आपने देखा कि मार्केट में अच्छी तेजी जो है वो इनिशियल स्टेज में आज देखने मिली। लेकिन देखिए फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट जो है वो भारतीय बाजारों पर हावी पड़ते नजर आए। और हुआ क्या, जाते जाते यूरोप कमजोर हुआ, डाउ कमजोर हुआ, और उसके बाद देखिए किस तरह की गिरावट देखने मिली। तो ये सब रीजंस है जिसके साथ गिरावट देखने मिली। हालांकि आज का ट्रेडिंग सेशन उतना बेकार नहीं था, लेकिन हाँ फिर से हम वो जो मेक और ब्रेक लेवल है ना 9250 का, उस लेवल के आसपास आके बार बार अटक रहे हैं। कब इस लेवल को हम डिसाइसिवली ऊपर के तरफ तोड़ेंगे या फिर नीचे के तरफ तोड़ेंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। ऊपर के तरफ तोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी बोलते ना एक उम्मीद और हकीकत के बीच का डिफरेंस ये है कि उम्मीद मुझे है, मैं चाहता हूँ, चाहत और हकीकत के बीच का डिफरेंस जो है कि 9300 के ऊपर टूटे, लेकिन गट फीलिंग है कि शायद 9200 के नीचे चला जाएगा। तो ये वो डिफरेंस है जो कि मुझे भी सता रहा है। आई होप जस्ट कि 9300 का लेवल हम क्रॉस करें। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र गुज्जर SBI कार्ड पे पूछ रहे हैं कि गिर क्यों रहा है। देखिए SBI कार्ड को लेकर जो कमेंट्री आ रही है, जिस तरह के रिजल्ट इस कंपनी के आए, कहीं ना कहीं वो इस कंपनी के लिए थोड़ा दिक्कत दर्शाते हैं। हालांकि मुझे ये कंपनी उतनी ख़राब नहीं लगती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जितनी गिरावट आएगी आपको इस काउंटर में खरीदना है, और ये एक लॉन्ग टर्म का प्ले है। शायद कोविड के चलते आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि इस कंपनी के पोटेंशियल क्या है, किस तरह का मार्केट ये किस तरह का रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है। आज अगर कोविड नहीं होता तो मानिए मेरी बात, ये स्टॉक आपको 800,000 के नीचे नहीं मिलता। लेकिन COVID-19 के वजह से जिस तरह से हालात ख़राब हुए हैं, इसके ऐसे स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं, 2 साल का समय दीजिए, मैं लिख के देता हूँ आपको ये स्टॉक यहाँ से दुगना हो जाएगा, इतनी पोटेंशियल है इस काउंटर में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं तो रुकिए, ये काउंटर आपको एक बेहतरीन रिटर्न देके आराम से जा सकता है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो ही आपको इस काउंटर पर कहीं ना कहीं पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो यार शायद पेन थोड़े दिन रह सकता है। सुकेत गुप्ता टाइटन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए अभी मैंने टाइटन के बारे में बताया कि टाइटन ने खुद ने कहा है कि 40 स्टोर जो है उन्होंने ऑपरेशन किए हैं तनिष्क के, और काफ़ी सारे और स्टोर जो है जैसे जैसे परमिशन मिलेगी वैसे वैसे शुरू करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ स्टोर्स के मुकाबले ये फ्रैक्शन है, लेकिन याद रखिए स्टोर्स का अपने आप में खुलना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोना इतना महंगा है, ग्लोबल हालात इतने ख़राब है, इनफैक्ट इंडिया के खुद के लोगों के एम्प्लॉयज़ के हालात इतने ख़राब है, तो क्या कोई सोना लेने जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लोग जा भी सकते हैं लेकिन क्योंकि चलिए ठीक है, एक बात अच्छी है कि स्टोर्स तो खुलना शुरू हुए हैं, इसके चलते इस काउंटर में शायद थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़े टाइम के लिए आपको इस काउंटर से दूर रहना है, थोड़े टाइम के लिए। अगर लंबी अवधि के लिए लेना है तो 850 बहुत अच्छा लेवल है, आप इस काउंटर में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा 6 महीने के आसपास का नज़रिया ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस काउंटर में नहीं रहना है।
क्योंकि जो रिटर्न्स आएंगे इसके कम से कम 2-3 क्वार्टर के बाद ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का बेट लेना चाहते हैं तो ही लीजिए, 6 महीने के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको इस काउंटर से दूर रहना है। अंशुल दिवाकर मारुति पे पूछ रहे हैं। देखिए अंशुल, ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेड था आज का, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया। देखिए आज ऑटो काउंटर्स में तेजी देखने मिली, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी ऑटो कंपनीज ने अपने जो प्लांट है उनको शुरू किया है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बयान आया कि हमने 1,500 डीलरशिप शुरू किए, बाकी और कहीं कहीं से बयान आया कि हमने इतनी डीलरशिप शुरू की, उतनी डीलरशिप शुरू की। मारुति ने कहा था कि हम 12 तारीख से अपना प्लांट जो है मानेसर में उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि ये कंपनी अपने प्लांट शुरू करने वाली है। कुछ थियरीज ये चल रही है कि 2-व्हीलर कंपनी में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे ईज ऑफ होगा, तो काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करूँ, जितना हो सके अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। अब प्राइवेट में एकाएक कोई कार लेने तो चला नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बाइक लेने जाएगा। हो सकता है ये थियोरी सही हो, मुझे नहीं पता कितनी सही होगी ये थियोरी, लेकिन अगर ऐसा यही थियोरी अगर मार्केट में चल रही थी तो अशोक लेलैंड नहीं चलना चाहिए था, टाटा मोटर्स को नहीं चलना चाहिए था, मारुति को नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि ये तो बाइक्स बनाते हैं, ये तो कार बनाते हैं। तो ऑटो कंपनियों में जो बढ़त देखने मिल रही है उसका लॉजिक मेरे ख्याल से इससे कुछ ज़्यादा होगा। हो सकता है कि प्लांट जो शुरू हो रहे उसी के वजह से काउंटर्स चल रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा जब तक डिमांड के बारे में पता ना चले ऑटो काउंटर्स दे आर नॉट माई प्रिफर्ड बेट। लॉन्ग टर्म भी मैं एक बार सोचूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इकोनॉमी खुलने के बाद कोविड का इम्पैक्ट जो कितना गहरा होने वाला है लोगों पे, कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या होगा, क्या कंज्यूमर्स बाइक कार लेना चाहेंगे नहीं लेना चाहेंगे। नो डाउट हो सकता है कि कुछ लोग जो जा रहे हैं बाहर, जिसको नौकरी के लिए अपने जाना है, हो सकता है वो प्रिफर करे बाइक लेने का, तो उस लिहाज से हो सकता है अगर ये थियोरी चल रही है तो ठीक है, बट आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। लेवल्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, आज आपको हीरो मोटो 2,000 पे मिल रहा है, मारुति 5,000 के लेवल पे मिल रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है, आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो आपको ऑटो काउंटर में रहना चाहिए। अगर आप पेशेंटली वेट नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारे हिकअप्स जो है वो ऑटो काउंटर में देखने मिलेंगे। क्या पता कितनी गाड़ी बेच पाए नहीं बेच पाए, कितने डिस्काउंट पे बेचे, कितना इनको मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल नहीं पता। और अगर हाँ आप ये मान के चल रहे हैं कि हाँ सही बात है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो ऑटो कंपनी में लोग खरीदारी करेंगे, ऑटो लेने जाएंगे लोग, आई मीन 2-व्हीलर लेने जाएंगे कम से कम, तो भैया उस लिहाज से तो फिर आपको NBFC भी खरीदना चाहिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, कैपिटल फर्स्ट है, क्योंकि लोन लेके ही लोन लेंगे ना, ज़्यादा तो लोन ही लेते हैं, कौन डाउन पेमेंट दे के लेता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और जो आदमी अपने डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेगा वो कोई हाई एंड गाड़ी तो लेगा नहीं, वो बजाज या हीरो की ही लेगा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसको याद रखने कीजिए। मारुति लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी ठीक लगता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से उतना रिलायबल काउंटर ये होगा नहीं, पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो ये आपको इस काउंटर में पैसा लगाना चाहिए। ओके, दीपक ढगे पूछ रहे हैं ICICI बैंक क्या व्यू है। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर ऑटो कंपनी चल रही है तो बैंक क्यों नहीं चलना चाहिए, लोग भाई ऑटोस तो बैंक लोन पे ही लेते, तो ये सब थियोरीज है। हालांकि जो इस बैंक के नतीजे आए, बैंक के नतीजे ठीक ठाक थे, उतने ख़राब थे नहीं, है ना, जो ये था क्या बोलते हैं प्रॉफिट था उसमें मार पड़ी, नो डाउट, बट आफ्टर ऑल योर EPS एन योर PE बिलोंग्स टू प्रॉफिट, सिंपल। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो महंगा PE हो गया, अगर आपका प्रॉफिट गिर गया था, आपका EPS गिर गया, प्रॉफिट क्यों गिरा, क्योंकि आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ी कोविड के लिए। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले क्वार्टर में और कितनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। तो ये सब दिक्कतें हैं जो कि अब सामने निकल के आ रही है, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एक एक करके दिक्कतें निकल के आएगी, और जैसे जैसे दिक्कतें निकल के आएंगी वैसे वैसे ऐसे अच्छे स्टॉक भी आपको पिटते नजर आएंगे। 320 के लेवल पे ये काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी कहूँगा 300 का स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर को आप आराम से 500 लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, तो वैसे ट्रेड कीजिए इस काउंटर को, मेरे ख्याल से इन लेवल पे लुक्रेटिव है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में अगर मुझे कहीं पैसा लगाना है तो यही लोग हैं, यू नो ICICI बैंक है या फिर कोई एक्सिस है या HDFC है, यही हमेशा हमारे रडार पे रहते हैं, इसलिए इन काउंटर्स को मैं अपने सबसे प्रेफर्ड बेट में गिनता हूँ। तो ICICI बैंक 300 का स्टॉप लॉस रखिए और आगे इस काउंटर में ट्रेड कर सकते हैं आप। अच्छा, नितेश पाटिल पूछ रहे हैं मदरसन सुमी ये सबसे रिस्की ट्रेड लगता है, भले वो मदरसन सुमी हो, भले वो आपका भारत फोर्ज हो। देखिए क्योंकि एक प्रॉब्लम कि इनका लोकल से कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा, यानी लोकल मार्केट
ये काफ़ी हद तक जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके बेसिस पे चलते हैं। अब यूरोप में आप हटा भी दोगे कोविड, उसके बाद भी कितने डिमांड रिवाइवल होगा। हाँ, हो सकता है कि वहाँ लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदने जाएं इंडिया के मुकाबले, ठीक है, लेवल्स बहुत अच्छे हैं मदरसन के, बट अगेन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना इन काउंटर को, ये उस रिलायबल काउंटर में से नहीं है जो जिसमें आपको बिना रिस्क के आप लेके एक बार बैठ जाए उसके बाद दो साल बाद देखें, नहीं वैसा नहीं है। 80 के लेवल के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, 75 का स्टॉप लॉस रखे, 100 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इस काउंटर को, 100 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखते हैं इस काउंटर में, क्योंकि दिक्कतें जो है वो इस काउंटर के लिए ख़त्म हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं वो जल्दी ख़त्म होगी। अच्छा, समरेंद्र पांडे ONGC पे पूछे, 80 के लेवल पे लिया है इन्होंने ONGC, ओ मेरे ख्याल से आजकल की खरीद है आपकी सर, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था इन काउंटर्स में, ज़्यादा रुकी है मत, एक तो सरकारी काउंटर्स है जहाँ ही पैसा आएगा ना इन काउंटर के पास, सरकार भी डिविडेंड मांग लेगी इन काउंटर से, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अच्छा लगता है काउंटर, लेकिन फंडामेंटल इन काउंटर में कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे ख्याल से इसके लिए। चलिए, आपने 80 पे लिया है, 77 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, 75 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर उसके नीचे भी जाता है ना तो मेरे ख्याल से फिर आपको इन काउंटर से निकल जाना चाहिए। ONGC ना मेरा कभी बेट था ना मेरा कभी बेट होगा फिलहाल, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए, नो डाउट ये कंपनी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज़ गुड, बट ये मेरा बेट नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस काउंटर से आप दूर रहेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अब इसी नोट पर विदा लेते हैं, कल फिर आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे आपके जो बचे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए। कल काफ़ी कुछ है, इंडिया का CPI IIP नंबर्स आने वाले हैं, US में भी इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, बाकी घरेलू मार्केट में काफ़ी सारे रिजल्ट्स है जिसमें नेस्ले के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वहाँ नज़र रखिए, सिंजीन के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो बायोकॉन पे नज़र रखिए, स्टारलाइट टेक, ब्लू स्टार, हेवल्स, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जो कंपनियाँ अपने नतीजे घोषित करेगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो नेस्ले होगा क्योंकि HUL के नतीजों ने जिस तरह से निराश किया था, अब देखना होगा कि नेस्ले किस तरह के नतीजे पेश करता है, क्योंकि उसके अलावा मेरिको के नतीजे देखे तो वो तो ठीक ठाक थे, तो अगर नेस्ले ने भी कहीं ना कहीं निराश किया तो शायद FMCG कंपनी जो है उनके वैल्यूएशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो कल नेस्ले के नतीजे जो है वो आपको कीनली वॉच करने हैं, उसके बाद देखेंगे कि FMCG एज ए स्पेस जो है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। इसी प्लेटफॉर्म पर फिर जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, सुबह 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे बताने के लिए कि इंडियन मार्केट को कैसे क्रिएट करना है, ग्लोबल संकेत क्या है और कल की बड़ी खबरें क्या है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।